इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के अमेरिका के बाद भारत कोविड 19 वैक्सीन की 20 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। भारत ने 130 दिन में वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा किया, वहीं अमेरिका ने 124 दिन में इतने लोगों को वैक्सीन लगाई। आर वर्ल्ड इन डाटा वेबसाइट और दूसरे कई सोर्स के मुताबिक कोविड 19 वैक्सीनेशन में तेजी दिखाने वाले देशों में ब्रिटेन भी शामिल है। ब्रिटेन ने 168 दिनों में 5.1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया, वहीं ब्राजील ने 128 दिन में 5.9 करोड़ लोगों का और जर्मनी में 149 दिन में 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भारत में बुधवार सुबह 7 बजे तक वैक्सीनेशन अभियान के 130वें दिन 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें से 15,71,49,593 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 4,35,12,863 को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 34% से ज्यादा लोगों ने कोविड 19 टीके की कम से कम पहली खुराक लगवा ली। इसी तरह देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की 42% से अधिक आबादी कम से कम पहला टीका लगवा चुकी। देश में कोविड 19 वैक्सीनेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को की थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।